फेशियल दो तरह के होते हैं, फेशियल कंपोजिशन फीमेल्स और फेशियल में सब ट्रांस मतलब मुझे फीमेल ना इज अ फीमेल यू आर डूइंग फॉर यस हां वही पूछो हां जी कल जो फेशियल करी थी ओके दिल्ली से ओके नेहा हां जी कल किया था ना दैट इज गोइंग टू फीमेल फेशियल कंपोजिशन ओके तो मैं पूछ रहा था सही ना हां हां समझ गया हां जी वो भी मैं बार-बार पूछने से टेंशन से ऑलरेडी कहीं कराई थी चिंसी न्यू ब्रांड नंबर से नॉट अ पेशेंट पेशेंट कराई थी ओके तो क्या है कि डिवीजन चाहिए उसको नहीं मैंने एक्चुअली चंडीगढ़ में बहुत सालों बट मैं मतलब इस चीज में रिस्क नहीं ले सकती ना आप बता रहे थे एक बार खराब हो जाए फिर दोबारा कर इस तरह क्योंकि लंबा ऑलरेडी बहुत ज्यादा और मोस्ट ही करा और फाइनली इधर ही हो हां और लाइक इधर ही करता हूं बस ऊपर से आई आपका लैंग्वेज में बस बोल सर मैं ये चाहिए ये अंदर चाहिए हां समझ रहे हो ना नाक से आ जाइए हां फाइनली एक तो मतलब ओवरऑल फेस पेनलाइजेशन एक तो मतलब थोड़ा बाकी का थोड़ा नीचे होता है करेक्ट ये आपका फोरहेड का नाक का ना सेम हो गया बीच में जो अलग स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली गर्ल्स के तो वो चीज मिसिंग है इसके अलावा हम्प बना हुआ है और इसके अलावा जैसे अब देख रहे हो ना टिप बल्बस है मतलब ये चीज थोड़ी पीछे को अगर हम इसका नोज का बॉन का स्ट्रक्चर सही कर दें तो ये चीज ना पीछे को आनी चाहिए ये वाला मास भी आगे को आकर पेपर था इसकी वजह से एंड बाकी जेनिकल का तो है ही है मतलब ये भी थोड़ा अब जीनोप्लास्टी आपको क्या चाहिए जीनोप्लास्टी में मतलब आपको क्या लगता है चिन पीछे है आगे नीचे मतलब एक तो फोल्ड स्पॉट्स आता है एक थोड़ा होता है ना कि जैसे आप मेरा यहाँ पे फेस स्ट्रक्चर देखते हो ना चिन का स्ट्रक्चर देखो पहले अंदर है फिर बाहर तो यहाँ पे और बाकी फेस के कंपैरेटिवली पीछे को तो जैसे लिप भी आपसे स्टार्ट होता है इसके हल्का से पीछे को स्टार्ट होता है और ये चीज नहीं होती यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये चीज नॉर्मली नहीं होती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे फेस में और अगर मैं बात करूँ आपने बोला था पार्ट मेरे को सही लगी थी कि बोन का वर्क ज्यादा करने को है लाइक कोई यहाँ पे ऐसे स्किन को कट करना या वो नहीं है जैसे फेशियल फेमिनाइजेशन में होता है बोनी वर्क और फेशियल फेमिनाइजेशन में ऐसा होता है कि लाइक पूरा फेस ही कवर हो जाता है इसको थोड़ा जैसे ये जो पता नहीं इसको कौन सी बोन कहते हैं ये वाली ये देखो ना जैसे बाकी फेस स्ट्रक्चर क्या देखो ना यहाँ बाहर को जा रहा है बाकी ये जो नॉर्मली होती है ये वाली जो बोन होती है मुझे लगता है यहाँ पे आप समझ रहे हो ना समझ रहे हो और आपको ये लगता है कि यहाँ डेली जगह में बोन होती है हाँ मतलब ये बोन या तो पता नहीं नीचे जैसे आपने बहुत स्कैटर स्कैटर में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सप्लेन करना है समझ गए दिस इज जगह में बोन और बाकी ये जैसे मैं देखती हूँ ना मेरी गर्दन जो है अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें गर्दन किस तरह से बेंड क्योंकि अगर मैं ऐसी करती हूँ ना तो ये बीच में ये चीज आती है वही रीजन में बोल दो आपको चीन फर्स्ट ऑफ ऑल रेट्रोग्रेड है ठीक है रेट्रोग्रेड मतलब पीछे को है जब पीछे को होना क्या होता है डबल चीन जैसा दिखता है यदि समथिंग कॉल्ड इज नेक एंड नेक चीन एंगल ऐसा होना चाहिए एंगुलेशन तो आपको एंगुलेशन एंगल नहीं बनता जैसे फीमेल के थोड़ा ऐसे करके होता है ना मेरा एक जैसे एंगुलेशन नेक चीन एंगल होता है वो नहीं बनता वो नहीं बनता जैसे देखो ना कि यहां पे सीधा ऐसे बनाऊंगा थोड़ा सा जैसे नीचे को करके एग्जैक्टली फिर होता है और ये स्ट्रेट हो जाता है मेरा जैसे अगर बोन का स्ट्रक्चर सही कर दो तो एक तो मेरा ये है कि जैसे अगर हम चिन को अंदर का बोन का तो जो मॉडिफाई होना है बाहर के ऊपर की जो स्किन है जैसे अगर हम मान लो चिन से स्टार्ट करते हैं इसको अगर हम ये जो एंगल बन रहा है इसको स्ट्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज ऑटोमेटिकली ये डबल चिन भी चले जाएंगे
when you are doing this, don't think that nature will be fourth character of the image. No, this is in the related to the upper chakra. Something or not? Sir, this is the lower chakra. It's a huge